भाई को अच्छा से पका लेने बोला, क्योंकि अभी हम भाई साहब ओ मैन भाई साहब भाई का ना मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, पता नहीं किस लिए बाइक हुए है जो लेने के लिए आया है। मेरे पास इसका दोनों वेलसी कटा हुआ है, इसको पता नहीं कितना लगेगा बनाने। आई ये चक्कर ओ भाई, ये तो बंदे को डराती है ब्रो। अबे चुटकी में इतना स्पीड चढ़ जाता है चुटकी बंदा को देखो, अभी बोलता इतना टाइम से रुका के रखा था ये, बोलता है वो बाइक नहीं हेलमेट खाली लेके आया। तो से हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, आपका रखा बढ़िया हो गया था, बढ़िया रहना गाइस। तो अभी फिलहाल देख रहे हो जोरावर का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिज का था से क्या बोलता है भाई। तो आज और एक बाइक लेने के लिए जा रहे हैं हम, डोमिनार 400 ठीक है, मतलब मैं लेने के लिए जा रहा है। बात क्या हो गया, आदमी तो बोलेगा दो तीन बाइक खरीद रहा है, क्या करेगा लोंडा। अभी जो बाइक को अच्छा लगेगा उसको रहेगा, चलो सीधा चलता है, क्योंकि एनआर भाई को लेने लेके इसलिए जा रहे हैं हम लोग। हम भी ब्लॉग स्टार्ट करेगा अभी, इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। मतलब एक बाइक चला के वो आना पड़ेगा, एक बाइक हम चला के आगे ना, दो बाइक तो एक साथ नहीं चलेगा, तो इसलिए चलो सीधा मोटो ब्लॉग में मिलता है। सो गाइस मैंने आज सोचा हुआ है हेलमेट एक लेने का भी सोचा। अरे एक बात देखा, KTM मतलब कि जैसा कि KTM आ रहा है, इसको ना मैं तो बोलने वाला हूँ इसको ही आप लोग लो, क्योंकि पता है KTM में भाई खर्चा ज़्यादा है, ऊपर से तेल ज़्यादा खाता है ठीक है। ये भाई हो गया स्पीड सही है, पावर मतलब सही है, माइलेज सही है, सामान का दाम कम है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करना वाला है, अगर आप लोग के पास पैसा इतना नहीं है, पैसा मतलब कम पैसा अच्छा बाइक अच्छा स्पीड अगर इंजॉय बोलने वाला जो करना चाहता है, मतलब जो मज़ा लेने वाला, तो ये ले सकता है भाई, एकदम मस्त बाइक है ब्रो। भाई को अच्छा से पका लेने बोला, क्योंकि अभी हम क्योंकि धीरे धीरे जाएगा ना तो भाई लग जाएगा हम लोग को, क्योंकि हमको 9 बजे से 10 बजे से पहले पहुंचना है। अभी जैसे कि 9:30 पार हो गया होगा भाई, 9:30 पार हो गया होगा, समझ रहे हो ना, तो हम लोग को देर हो जाएगा। नहीं तो पीछे में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, उसके थोड़ा तकलीफ हो रहा है चलाने के लिए, क्योंकि डबल बंदा में थोड़ा कटिंग है ना बेटर होता है, बट उसको लिए तुम्हारा कंट्रोल होना पड़ता है ठीक। वो कंट्रोल हम लोग के पास फिलहाल नहीं है, वो कंट्रोल प्रैक्टिस करने से मिलता है ठीक है। ओ भाई रेड सिग्नल 14 सेकेंड है अभी फिलहाल, देख रहे हो। तो हम यहाँ में रुक जाता है, ज़्यादा आगे भी नहीं जाएगा ब्रो, ज़्यादा आगे जाने से भी ख़राब है, जैसे कि वो देख रहे हो 4 सेकेंड 3 2 1 गो, रेस लग गया है। मजाक नहीं भाई, ये देख रहे हो देख रहे हो भाई, ये कहाँ का नंबर प्लेट है बे, रेड पंजाब का है, लेकिन रेड नंबर प्लेट मतलब क्या है वो समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। ओ भाई देख रहे हो फुल पावर में भाई साहब, इतना जाम लग गया देख रहे हो, क्या ही बोले, फुक फुक के कदम रखना पड़ रहे हैं, फुक फुक के। चाचा चलो ना उधर से, क्यों परेशान कर रहे हैं दूसरे अगला बंदे को, जो पीछे में बंदा बैठता है ना उसको फाड़ जाता है ब्रो दूसरे का पीछे, क्योंकि हम बैठने से भी हम मेरा भी फाड़ जाता है दूसरे का पीछे में। भाई साहब ओ मैन भाई देखो टिमटिमाते हुए जा रहे हैं, इंडिकेटर पता ही नहीं चल रहा है भाई क्या करे भाई, बंदा अगला बंदा क्या करे तुम खुद बताओ भाई, लेकिन कुछ भी हो भाई V3 में ना काटिंग जो क्या है बे ब्रो, क्या है काटिंग, ओला ओला लगता है ये। देख रहे हो ट्रैफिक खुला हुआ है भाई, एक कुर्सी देके जाओ हाथ दर्द कर गया बैठने के लिए, देख रहे हो यार इस सबको साइड देना, मतलब कि खुद जाम में फंसना। ओ भाई इसको साइड दे दे, हमें कूद गिरने वाला था, ऊपर से पीछे में 2000 किलो का बंदा बैठा हुआ है मेरा पीछे में पई, बाप रे बाप, देख रहे हो कितना सारा गाड़ी पूरा लाइन हो के गया भाई, इतना गाड़ी कहाँ से आता है ब्रो, इसका कलर अलग है, पापा का पड़ियों से तो बच के रहना है पई, 100 कदम दूर से चलना है सही है। भाई साहब
भाई हाथ का लग गया है ब्रो, पूरा दर्द कर रहा है भयंकर। सुबह का टाइम में इसलिए जाम होता है पता है ये सब में, क्योंकि सब काम करने वाला बंदा भी होता है, ऑफिस ऑफिस जाने का और कोई स्कूल का बंदा भी होता है ना, उसलिए सब जाम लगता है भाई, समझ रहे हो। गुवाहाटी में अगर तुम दोपहर उपहर में आएगा तो इतना जाम नहीं मिलता है। भाई का ना मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, पता नहीं किस लिए। तो फाइनली गाइस इतना जाम से जैसे तैसे बच के पहुंच गया ये एटी रोड, जो कि क्या बोल रहा था, हाफ माइल ब्रिज ना कुछ ऐसा बोल रहा था, बोलते ना भूल गया। सो अभी यहाँ रुका हुआ है, अभी जाके कुछ जो बहुत दिनों से बाइक खड़ा होगा ना तो उसके लिए चेन ल्यूब ले लेता है, क्योंकि चेन में मारने के लिए चेन सूखे काटा हो गया होगा। तो सो गाइस ये भैया का दुकान से मिल गया, ये भैया देख रहे हो पता है कुछ फ्री मिला बोला, पता नहीं दाम ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये दे, इसमें रुपीज़ लिखा है 170 लेकिन 150 रुपये में दे दे ये दुकान है। तो अभी चलो सीधा चलता है, जो बाइक लेने के लिए आया है वो लेता है, क्योंकि वो बहुत दिन से खड़ा है ना तो जंग लग गया होगा था चेन में, तो देखा भी था, देखने में तो अच्छा था, आप लोग का अभी दिखाएगा भी। फाइनली गाइस बाइक थू हुई है जो लेने के लिए आया है, ये है बंपर बाद इसका दोनों वेल सील कटा हुआ है, इसको पता नहीं कितना लगेगा बनाने, देख लिया जाएगा। फाइनली इसका कंडीशन तो ठीक है, ऐसे कोई नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं इंजन इंजन कैसे लीक हुआ है कि नहीं, इंजन तो कहीं से लीक तो नहीं है ब्रो, चेन भी बहुत लूज है। फाइनल गाइस बाइक को स्टार्ट कर चुका है, दूसरा बैटरी लेके आके, तो जो 24 वोल्ट किया था 12 वोल्ट का जगह में, एंड अभी इसको थोड़ा टाइम स्टार्ट में रख देता है, देख रहे हो पूरा टूल के थे इसमें, टूल के देने से एक्चुअली अच्छा है, कभी भी कुछ उनसे देख सकता है तो ठीक है। तो फाइनल गाइस यहाँ में आया था, देख रहे हो यहाँ में मतलब जैसे डीटीओ का सब नाम ट्रांसफर होता है, तो इसलिए आया था यहाँ में दे दिया। अभी ये बाइक का नाम मेरा मतलब नाम में ट्रांसफर हो रहा है, तो देखते हैं बोला सोमवार तक हो जाएगा। तो गाइस अभी चला रहा है अपना बाइक को अपना गुरु भाई, देख रहे हो पैर कैसा देख रहा है, पैर नहीं पहुंच रहा है भाई, इसको हम लोग कह रहे हैं क्योंकि इसको इश्यू यार थोड़ा पावर है ना, तो भाई अभी नया नया फिलहाल इतना पावर का बाइक नहीं चला है, 150 cc फिलहाल चला रहा है, तो उसके लिए R15 को भाई को चलाने दिया, हम इसको डोमिनर को लेके जा रहा है फिलहाल फुल पावर में, इसको मतलब इसका थोड़ा ब्रेक में भी इशू आएगा, पीछे का आएगा ब्रेक में इशू, इसलिए जो इसका जो सस्पेंशन है ना, तो सस्पेंशन तो लीक होकर जब डिस में उसका ऑयल लग गया है, कोई भी वाका ऑयल लग जाता है तो ब्रेक नहीं पकड़ता है ठीक है, तो इसलिए यार पीछे का तो पता नहीं हवा हो गया जैसा लग रहा है ब्रेक में, हमको जहाँ तक हमको लग रहा है, देख 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 देख, ओ भाई ओ रुक जा भाई, ओ रुक जा भाई, रेस लगने का फिर में बंदा तो भयंकर। तो फाइनल गाइस दो वेल सी ले लिया, ये बजाज का मोटर पास से जो बाइक का है, तो ये दो ले लिया है, दोनों को प्राइस देख रहे हो, एक है 417 रुपया बट दोनों का मेरा 750 रुपया लिया, ठीक है 750 रुपया लिया हुआ है, तभी फुल पावर अपना कार बाइक में जाता है, बाइक हमें अपना इनर भाई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, बंदे भाई ग्रुप में कैसा राइड करता है भाई, ये लोग भयंकर ग्रुप पे राइड करने से देखना चाहिए जो बंदा कहाँ में है, अगला पीछे वाला बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं गिर गया ना क्या हुआ भाई, बोलो तो देखने वाला बंदा नहीं है ब्रो, ऐसा मत कर बे, उसको अभी जाके हम समझाएगा भाई ऐसा नहीं चलाते ग्रुप में बोल के, ग्रुप में राइड करने से पीछे का जो बंदा है ना उसको ध्यान रखना पड़ता है, तो आ रहा है ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो गाइस इसमें क्या पावर है ब्रो, देखना है देखना, खाली ब्रेक की वजह से डर लग रहा है, बाकी कोई नहीं भाई, ब्रेक सही होता ना तो मज़ा आ जाता ब्रो, मज़ा आ जाता, ब्रेक की वजह से डर के चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक से गाड़ी आगे वाला बंदा अगर रुक जाता है ना तो इसका ब्रेक नहीं पकड़ रहे ठीक है, उसी लिए देख रहे हो ब्रेक टूट जाने को मांगता है। देख रहे हो क्या कटिंग है इसका भी कटिंग बोरिया है ब्रो, ड्यूक से तो मजा, ये भी ड्यूक से ना बहुत बेटर है ये भी। तो फाइनल गाइस गणेशगुरी पहुंच गए, गणेशगुरी ब्रिज मतलब सामने के मैं दो बाइक पार्क कर चुका है, वहाँ में जाता है हेलमेट चेक करने के लिए कितना दम क्या होता है, चलो फुल पावर। तो फाइनल गाइस हेलमेट तो नहीं लिया पर इसका फायदा ले लिया, चेक करो क्या लग रहा है, बॉम लग रहा है, लेकिन मतलब दाम ऐसा बोला था ना आने के लिए डर लगता है, कितना दाम बोला था भाई, 5000 तो 5000-6000 बोला था, मतलब बीच वाला नहीं है, बोला मिडिल वाला नहीं है, सबसे लो वाला है और सबसे हाई वाला, लो वाला हो गया 1500-1600, दाम वाला हो गया 5000-6000, मतलब बीच का नहीं है, तो उसके लिए हम क्या किया बाइजर लगा लिया, थोड़ा अभी बॉम लग रहा है, हेलमेट का कलर एंड बाइजर का कलर सेम लग रहा है, हम भाई को भी बोला था लेकिन भाई नहीं लिया है, हमको ऐसा लगने लगा है ड्यूक का हैंडलिंग सबसे खराब जैसा लगने लगा है ब्रो, जो मेरा पास जो है ड्यूक नया वाला तो पता नहीं, लेकिन भाई मेरा जो है फिलहाल DBS 3 ड्यूक 200 फास्ट मॉडल, उसका हैंडलिंग ही खराब होगा क्या ऐसा लग रहा है हमको ठीक है, देख रहे हो भाई साहब क्या पावर है, इसको भी एक बार टॉप स्पीड करने जाएगा भाई, R15 को भी टॉप स्पीड चेक करेगा, इसको भी टॉप स्पीड चेक करेगा, इसका कितना जाता है, तो हम लोग हमें टॉप स्पीड चेक करने का एक ही जगह है बोले तो सोनापुर ठीक है, सोनापुर का जैसा कहीं में हम लोग हमें रोड नहीं है टॉप स्पीड चेक करने के लिए भाई लोग, सबको तो पता है हम लोग का जोराबाद में कितना चेकिंग है, तो कागज हो गए तो हम क्या क्या जहाँ चेकिंग है वहाँ जाकर चुपचाप से बोले बोले से पूरा देखा पाएगा ना सब पूरा ओके है,
तो एन पता नहीं ये लोंडा कहाँ जा रहा है, लेकिन आया भाई देख लो। ओए होए ओए होए। सो गाइस अभी ऐसा लगने लगा है मेरा कैमरा को कोरोना पकड़ लिया है, ठीक है। कभी कभी इतना फालतू होता है ना भाई। ओ भाई क्या पावर बवाल है भाई, जिंदा मोस्टर है तो भाई साहब। इसका नाम भाई स्टिंग रखने का, भाई क्या बोलते हो स्टिंग, ये अपना स्टिंग है एनर्जी, देख रहे हो भाई स्टिंग का पावर। स्टिंग रखना रेड बुल रखे भाई, कमेंट करके बताना स्टिंग की रेड बुल कौन सा मजा आएगा। ये चेक करो, ये चेक करो भाई, ये चेक करो भाई, ये चेक करो। ओ भाई ये तो बंदे को डराती है ब्रो। अबे चुटकी में इतना स्पीड चढ़ जाता है भाई, क्या चीज है ब्रो। अपना मिस्त्री भाई बोला कितना तू भाई के, मैं बोला ये भी मेरा है, R15 भी मेरा है, ड्यूक भी मेरा है, तो बोला कितना तू भाई के। भाई साहब इसको पहचान रहे हो, बड़े दिनों बाद देखे होंगे इसको। सो गाइस सबसे पहले तो ये चेक करो भाई, कुछ इस तरीके से लग रहा है, देख रहे हो भाई साहब फुल पावर, क्योंकि ये देख रहे हो नया ऑयल सील डाला है, हम सब लीक हो गया था, ये भी लीक हो गया था, ये भी लीक हुआ था। तो ये सब लीक होने से क्या होता है कि जब पिछला हो जाता है तो उसके लिए ब्रेक नहीं लग पाता है, ठीक है। तो इसलिए सब नारो ये सब ऑयल सील इसलिए काटता है, अगर ये सब डस्ट देख रहे हो ये सब पोछा करो, ठीक है। ये सब डस्ट का वजह से काट जाता है सील, तो डस्ट का वजह मतलब जैसे कि घासते घासते मतलब खा जाता है ना, उसके लिए लीक करता है। एंड लाइफ में पहली बार अपना नाम में बाइक नाम रजिस्टर हो गया भाई, समझ रहे हो, नहीं तो मेरा कोई भी बाइक अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। कुछ इस तरीके से चेक करो गाइस, चेक करो क्या बूम है भाई साहब, पावर लेकिन उत्पाद है। एंड एक बात और सोच रहा है गाइस, जैसे कि मैं अभी घर जाके सोच रहा है एंड ये एग्जॉस्ट को हटा के देगा, कैसा लाउड डेटा है इसका, समझ रहे हो ना, मतलब लाउड कैसा है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक खोलना पड़ेगा एक थू, देख रहे हो दो बोर्ड खोलने से साइलेंसर बाहर, एंड इसका मतलब दो साइलेंसर है, एक अंदर अंदर बिली है, एक बाहर वाला है। तो चेक करें कैसा है कैसा नहीं, ज़्यादा लाउड नहीं होने से हम इसे चलाने वाला है, इसको बाइक ज़्यादा भी चला नहीं है, बाइक चला है आप लोग का ये चेक करो। 18213 किलोमीटर चल चुका है, समझ रहे हो ना भाई। जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट चाहिए तेरा भाई को, अभी सिर्फ सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक कहता है वीडियो, तो खाओ पियो ऐश करो मस्त करो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इसी नए वीडियो के साथ। एंड इधर चेक करो ये सोले वाला टंकी।